वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना महामारी में लोगों को मदद करने वाले बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए थे। इसमें सबसे आगे रतन टाटा, सोनू सूद, अजिम प्रेमजी जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में सबसे आगे नाम दुनिया के स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल का नाम सामने आ रहा है। लक्ष्मी मित्तल ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए 3.5 मिलियन पाउंड यानी करीब 3300 करोड़ रुपए का अनुदान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। मित्तल परिवार ने यह अनुदान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीनोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया है। यह जेनर इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आता है। इस अनुदान के बाद अब इसका नाम बदलकर लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली प्रोफेसरशिप ऑफ वैक्सीनोलॉजी कर दिया गया है। बता दें कि इस जेनर इंस्टीट्यूट की स्थापना 2005 में हुई थी, ऑक्सफोर्ड और यूके इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हेल्थ के साथ पार्टनरशिप में की गई थी। पूरी दुनिया में वैक्सीन की पढ़ाई के लिए यह सबसे अव्वल इंस्टीट्यूट मानी जाती है, जहां सारी दुनिया कोरोना के वैक्सीन को बनाने की कोशिश कर रही है। इनमें सबसे आगे जेनर इंस्टीट्यूट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोरोना वैक्सीन का इंग्लैंड, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में ह्यूमन ट्रायल पर तेजी से काम कर रही है। इस दान पर लक्ष्मी मित्तल ने कहा है कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया को किसी भी तरह की महामारी के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। इस महामारी के कारण बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक और आर्थिक नुकसान हुआ है। इस बारे में जब हमारी जेनर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर एड्रियन हिल से मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि वे वैक्सीन के बनाने को लेकर जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें भविष्य में इस तरह की किसी भी महामारी के लिए अभी से तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि लक्ष्मी मित्तल का परिवार मूल रूप से राजस्थान के सादुलपुर से है। लक्ष्मी मित्तल ब्रिटेन के 19वें सबसे अमीर आदमी है। वे ब्रिटेन के पॉश इलाके मेफेयर में 300 मिलियन पाउंड की हवेली के मालिक हैं और दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी आर्सेलर मित्तल के प्रमुख हैं। बता दें कि पिछले दिनों ही इस कोरोना काल में आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन और सीईओ लक्ष्मी मित्तल ने गुजरात में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। इसके अलावा कंपनी गुजरात स्थित हजीरा संयंत्र के उत्पादन क्षमता 86 लाख टन वार्षिक तक बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का भी निवेश करेगी। मित्तल ने शुक्रवार यानी 3 जुलाई को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को यह जानकारी दी। बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक 1,23,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 5.5 लाख के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 8 लाख के करीब पहुंच गई है। इससे मरने वालों की संख्या 21,604 हो गया है। अभी तक इस वायरस का किसी भी देश को इलाज नहीं मिल पाया है, हालांकि कई देशों ने ह्यूमन ट्रायल की बात कही है। तो ये थी कोरोना वैक्सीन और लक्ष्मी मित्तल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही लक्ष्मी मित्तल द्वारा दिए गए इस अनुदान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।